ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੇ ਐਰਾ ਗੈਰਾ ਨੱਥੂ ਖਹਿਰਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਕਬਾਲ ਖਹਿਰਾ ਕਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਆ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਆ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਿਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨਾਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ ਵਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੇ ਸਕਬਾਲ ਖਹਿਰੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਪਿਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇ ਵੀ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਇਹਦਾ ਪਿਤਾ ਇਹ ਆਪਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕਬਾਲ ਖਹਿਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰੇ दोस्तों अज एक लालजीत सिंह भुल्लर जिहड़ा इत्थे बोकर आणे दा मंत्री आ उहदी एक वीडियो मैं सुनी जिहदे च उह अपने वल्लों मेरा मजाक उड़ा रहा सीगा कि सुखपाल सिंह खहिरा कौन है ऐरा गैरा नत्थू खहिरा इहदा मतलब कि इहनूं इतिहास नाल साडे पिछोकड़ नाल साडे विरसे की कोई वाकफियत नहीं क्योंकि पहला मैनूं तुहानूं दस लैण दिओ कि ऐरा गैरा नत्थू खहिरा जिहड़ी कहावत आ उह वैसे इहदा सही जिहड़ा नाम है वह है ऐरा गैरा नहीं नत्थू खहिरा मतलब हर आदमी नत्थू खहिरा नहीं बन सकता और तुसी हैरान होवोगे कई बार आप सबनों भी शायद इन्नी वाकफियत नहीं होंगी इहदा बड़ा वड्डा इतिहासिक पछोकड़ है इतिहास मुताबक तुहानूं पता कि जदों मस्सा रंगड़ ने दरबार साहब दे विच आप हुदरियां कीतियां ते कंजरियां नचाईयां ते गलत काम किते उदों जिहड़े साडे उस वक्त दे बहुत जोधे सुखा सिंह ते महताब सिंह उन्होंने मस्से रंगड़ की धौण वढ़ दी और जदों उहदा कतल हो गया धौण वढ़ी उहदे जिहड़े साले सी उहदी घरवाली सी उन्होंने बहुत हाहाकार मचाई वह लाहौर के नवाब के कोल पहुंचे उन्होंने कहा कि असीं तां इहदा इहनूं दफना नहीं सकते क्योंकि इहदा सिर कलम किया होया वा असीं कल्ले इस धड़ नूं उदों तक नहीं दफनावांगे जदों तुसीं सुखा सिंह ते महताब सिंह नूं फड़ के उन्हां दा साडा बदला ना लो और जो ये गल मुगल सल्तनत ने छापा मारी शुरू की पता कराने की गल की तो जेडे महताब सिंह सके ये उस वक्त अपने साथियों के नाल बीकानेर के जंगलों वालों जा चुके सके चले गए सके जाने तो पहला उन्होंने पता सीगा कि मेरे परिवार के उत्ते हमला होगा उन्होंने ना अपने पगवट भरा से उन्होंने एक नत्था खहिरा वह पिंड सीगा मीरां कोट जिहड़ा इस वेले राजा संसी एयरपोर्ट के बिल्कुल ओपोजिट है अमृतसर जिले के ही है वो उसनू अपना 6 साल का बच्चा उन्होंने हैंडओवर कर गए कि इहदी हिफाजत तू करनी आ उहदा उस बच्चे का नाम सिंह राज सिंह और जो मुगल फौजा पता लगते लगते जिहड़े बथेरे इदा के चवल होंगे जिदा के आ बने हुए ने बोकर वाले उन्होंने इहदी सूह दे दी कि जी ये नत्था खहिरा के पिंड मीराकोट के घर में छुपाया हुआ जिहड़ा उस वक्त का फौजदार से उसने सद्या नत्था खहिरा नत्था खहिरा बुला के कह लग्या कि जिहड़ा महताब सिंह का पुत्र तेरे घर में छुपया उन्होंने मैनू तू सानू हैंडओवर कर दे उसने पहला तो थोड़ा इनकार किया पर उन्हें जो देखा कि बहुत ज़्यादा फौज सारा तैनात है तो उन्हें कहा जी मैं दे तो दिना वा लेकिन तुम इस तक कतल नहीं करना जेडे वे मस्सा रंगड़ के जो साले से घरवाली से बड़े भड़के वह कहते जी साढ़े व्यक्ति का इन्होंने सिर कलम किया वा तो असं इन्हों इदा कि बख्श देंगे छड़ देंगे इस सुन के नत्था खहिरा अपने घर वापस चल जाता वा वो घर में उस वक्त वह एक पुत्र सेगा एक उहदा भणेवां सीगा एक उहदा नौकर सीगा ते पंजवां जिहड़ा सीगा उह महताब सिंह दा 6 साल दा बच्चा सीगा राज सिंह तां इन्हां ने फैसला किया कि आपां इस बच्चे की हिफाजत करनी ते इतिहास गवाह वा कि उन्हां चारां ने मुगल फौजां दे नाल लड़दे हुए वह शहीद हो गए उन्होंने राज सिंह जिहड़ा 6 साल दा बच्चा सी महताब सिंह दा उहनूं हैंडओवर नहीं किया और जदों लड़ाई हुई उहदे विच राय सिंह जिहड़ा महताब सिंह दा बेटा सी उह वी बहुत बुरी तरह जख्मी हो गया और जो फौजा आई उन्हें देखा कि सारे मर चुके ने उदा ही छड़ के चले गए लालजीत सिंह हुण तेरी क्लास लाउणी चाहीदी सानू कि तेनू माझे दे इतिहास बारे नहीं पता तेनू सिख इतिहास बारे नहीं पता एड्डी वड्डी कुरबानी और तेरे तो 40-50 किलोमीटर दूर उन्हां दा पिंड मीराकोट है जिथे वह सारा कांड वापरिया ते तू सिर्फ मेरी तोहीन करन वास्ते कि ऐरा गैरा नत्थू खहिरा है कौन है सुखपाल खहिरा मैं तो चलो जो है ही हाँ मैं अपनी तुलना नत्था खहिरा दे नाल नहीं कर सकता उहदे चरणा की धूड़ भी नहीं गा मैं पर जो भी मैं कर रहा अपनी जिंदगी दे विच अपनी आत्मा अनुसार और जो मेरा हिरदे मैनूं कहिंदा कि जो पंजाब दे वास्ते मैं गल्लां कर रहा ते तुसीं आ लालजीत सिंह भुल्लर नूं कहना चाहुंदा तू कहना तो ज़्यादा अच्छा बिकॉज तुम मेरे पिता भी तू तू करके एड्रैस किया उस वीडियो तू कांग्रसियां ते अकालियां दा तलवे चट्टिया परसों चौथ तक तो हुण तू मिनिस्टर बन गया मिनिस्टर बनना खुदा नहीं हुंदा और जिहड़ी तुसीं ये अवग्या कीती आ कि ऐरा गैरा नत्थू खहिरा का मजाक उड़ाया
इस ते माफी मांगी जरा जनतक तौर उत्ते क्योंकि तुसी इतिहास का तुसी सुखा सिंह ते महताब सिंह दी कुर्बानी का और नथे खैरे की कुर्बानी का तू मजाक उड़ा साडा तक जिहड़ा मजाक उड़ाउणा और सही कहावत दोस्तों पता की है ऐरा गहरा नै नथू खैरा मतलब हर आदमी नथा खैरा नहीं बन सकता ये कहावत है तो कुदरती तौर पर साडा भी पिछोकड़ खैरियां दा साडा पिंड जिहड़ा असल नागो की है माझे दे विच तो साडा पिछोकड़ भी जुड़िया होया वा सो इसलिए मैं इस तरह के हंकारी मिनिस्टर एक मिनिस्टर का पहला हले मैं उन्हूं भी तमीज सिखाने की कोशिश कर रहा वा लेकिन एक दूजा आ गया मजाक उड़ाने वास्ते चलो मेरा मजाक 100 बार ही उड़ा लेकिन जिहड़ा इतिहास का साढ़े महान योधियां का जिन्होंने मस्से रंगड़ वर्गे एक हंकारी एक तशद्दुद करने वाले एक जालम नूं कतल किया इस करके कि उन्हें दरबार साहब दे विच जो अवग्यावां कीतियां उहदा बदला लिया उन्होंने ये सीगे योधे तो तुसीं तां आ बोकर वालियां दे दिल्ली वालियां दे तलवे चटदे फिरदे हो छोटियां छोटियां पोजिशनज लैण वास्ते इसलिए इन फ्यूचर जे नहीं पता है इतिहास बारे तो इहदा चंगा अपनी जुबान बंद रख्या कर यही मैनूं तेरी तैनूं नसीहत है और मेरे तो माफ़ी मंगण की लोड़ नहीं गी लेकिन नथू खैरे का इतिहास गलत तरीके ना पेश करने लई और सुखा सिंह ते महताब सिंह की जो महान कुरबानी है उसका उसनू झेडा करन वास्ते तैनू जनतक तौर पर माफ़ी मंगनी चाहिए मेरे सत्कारयोग वीरों ते भैणों पंजाब दे जिथे भी तुसी बैठे अगर तुहानू लगता कि मैं सच बयान किया वा और इस हंकारी मिनिस्टर ने इस बोकर वाले ने गलत गल की तो इस वीडियो नू ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करना ताकि इस तरह के बंदियां नू जिहड़े और मैनू तो यह दस्या गया कि वड्डे पद्धर का यह नशेड़ी है और मैं इहनू कहूँगा कि जे तेरे च जुरत है ना तो अपना डोप टैसट करवा के सानू रिपोर्ट जनतक कर फिर तुहाडा पता लगेगा किदां दा तू मिनिस्टर माफ़ी जरूर मंग धन्नवाद सुखपाल सिंह खैरा।